36 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के खाते में गए। अगर मैंने बैंक खाते न खोले होते तो इनका बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन दुनिया में, पूरी दुनिया में एक साल में जितने अकाउंट खुलते होंगे ना, उससे ज्यादा काम हमारे देश में हुआ है। जल जीवन मिशन, हमारे देश में जी 3-4% घरों में भी घर में नल से जल आता था, वो भी ज्यादातर अर्बन लोकैलिटी में। आज 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचा है। अब ये सारे काम है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर ऐसे ही नहीं आए जी, हमने उनको इतना सशक्त बनाया। और मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि हम गरीब को इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करे। और जब गरीब अपने मेहनत से गरीबी को परास्त करता है ना, उसके बाद उसको गरीबी में वापस नहीं जाना, ये संकल्प बन जाता है और वो देश की शक्ति बन जाता है। आज हमें फायदा है 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी, दुनिया इसकी तारीफ कर रही है जी। और ये एक मॉडल बनेगा जी, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए मॉडल बनेगा जी। आप देखिए 2014 के पहले क्या हाल था, 2014 के पहले आपके सारे मीडिया वाले निकाल दीजिए, फ्रेजाइल फाइव यही हेडलाइन होता था जी। आज जी हम वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गए। IMF ने दुनिया के 150 देशों का समूह, जिसमें चाइना भी है, हिंदुस्तान भी है, जिसको हम कहें कि एक डेवलपिंग कंट्रीज है या जो इमर्जिंग इकोनॉमी वाले देश है, ऐसा का एक समूह का उनको क्लासिफाई करके उन्होंने उसका एनालिसिस किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी एक प्रकार से ये इंडिया का पीयर ग्रुप हम कह सकते हैं। अब देखिए क्या एनालिसिस है, 1998 इंडिया पर कैपिटा GDP इस पीयर ग्रुप से 30% के आसपास थी, यानी पूरा 150 देशों का देश है। उस समय अटल जी की सरकार थी, 98 में अटल जी की सरकार है। 98 से 2004 अटल जी के अपने कार्यकाल में ये 30% को 35% ले गए। अच्छा प्रोग्रेस हुआ, लेकिन दुर्भाग्य देखिए जी, 2004 में ये सब खिचड़ी कंपनी आ गई और ये खिचड़ी कंपनी ने अटल जी की मेहनत जो थी उस पर पानी फेर दिया, 35% को 30% ले आ गए वो लोग। यानी इन सारी कंट्रीज ने 12 से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और हमने बुरा किया जी। UPA की सरकार में भारत डेवलपिंग वर्ल्ड की अपेक्षा और गरीब हो गया, हमसे गरीब थे वो भी हमसे आगे निकल गए। लेकिन 2014 में हमारे सरकार बनने के बाद 2019 तक में आपको खुशी होगी हम 30% से 37% पे पहुंचा दिया, और 24 तक मैं जब पहुंचा हूं ये मामला 42% पहुंच गया है, यानी 30 छोड़ा था हम 42 ले, और ये हाईएस्ट है जी। यानी हमारी इनकम दुनिया के और देशों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर आप 10 साल के कालखंड में इन्फ्लेशन को भी ले, जो महंगाई की इतनी चर्चा करते हैं ना, तो ये 10 साल सबसे कम इन्फ्लेशन वाला कालखंड रहा है। ये मैं इतना सारा जो कहता हूं और हकीकत के आधार पर कहता हूं, कठोर परिश्रम करने के बाद अचीव किया है जी। पूरी सरकार को मोबिलाइज किया है और लक्ष्य को पार करने के लिए जी जान से जुड़ गए हैं। उसके बावजूद भी मोदी क्या कहता है, मोदी कहता है भाई ये तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है और नई नई आकांक्षाएं, और मैं बहुत तेजी से बढ़ना चाहता हूं देश को लेकर के। और कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर
पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी 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 उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिली बगैर लगता है, अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां है उसको कोई न कोई क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। आप देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स पर, तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूं, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं, तो मैं और वेल रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, इट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भी ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य व आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूं। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए।